Ladies and gentlemen, welcome to Captain Sarcasm Vlogs. मुंबई सपनों का शहर, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ चलती रहती है। हर कोई अपनी रेस में लगा है और ऐसे भीड़ भाड़ और शोरगम सिटी में शांत जगह ढूंढना तो काफी मुश्किल है। ऐसा मैं भी सोचता था अंटिल आई फाउंड दिस प्लेस। What up people, it's your boy Captain Sarcasm back with another vlogs ka sagam bag. I hope you guys are doing fine. It's so good to see you after such a long time. And amcha ata budget vadla aahe. We have two cameras, one, two. This is mobile and that is a DSLR camera which I bought recently. Tum to bahut hi ameer nikle yaar. So yeah, budget badh gaya but still on chadda because we don't forget our roots. Stop it. Get some help. If you guys are new to this channel, let me introduce myself. I am Captain Sarcasm. मैंने ये YouTube journey काफी साल पहले शुरू की थी जब मैं थोड़े बहुत comedy skit लिखता था but due to some reasons हमने ये channel थोड़ा बहुत abandon कर लिया था but we are back after such a long time. I guess कितने साल हो गए मैंने upload कुछ किया नहीं है, 3-4 years. So yes, talking about the main part of this video which is Ban Ganga. काफी बढ़िया जगह है, काफी शांत जगह है एंड यूजली अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप देख सकते हो कितना सारा क्राउड होता है, ची चैप पी पॉप पूरा टाइम चलता रहता है और इन सारे भीड़ भाड़ के एरिया में से अगर आपको शांत जगह ढूंढना है मुंबई में तो बाणगंगा इज द प्लेस फॉर यू। तो ये जो जगह है बाणगंगा, ये एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे हार्ट में बिकॉज व्हेनेवर आई थिंक दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट और आई नीड टू थिंक अबाउट समथिंग या फिर किसी प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन चाहिए तो आई गो टू दिस प्लेस, आई सिट डाउन देयर, मेडिटेट, शांति से बस बैठा रहता हूँ एंड आई थिंक अबाउट द टॉपिक एंड 99% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। मैं घर वापस आता हूँ तभी मेरे पास एक सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको मेडिटेशन या यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड यू विल लव दिस प्लेस। ऑल्सो बाणगंगा हैज अ रिच हिस्ट्री जो मैं वहां पर जाके आपको बताऊंगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रामायण, तो अगर आप रामायण में इंटरेस्ट रखते हो तो ये जगह आपके लिए काफी स्पेशल होगी एंड आई टेल यू द हिस्ट्री वहां पहुंचने के बाद। सो व्लॉग्स में आगे क्या होने वाला है, तो ये हो गया बाणगंगा का व्लॉग बट इन जनरल आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्लॉगिंग जहां पे मैं थोड़े बहुत आपको चीजें बताऊंगा मेरे लाइफ के बारे में। सो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा आपको जगह दिखा सकूँ व्लॉग्स में वो मैं दिखाऊंगा एंड बजट ट्रैवलिंग वाला एक सेक्शन हम रखेंगे जहाँ पे कम से कम बजट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा घूमेंगे, विल एक्सप्लोर मुंबई, विल एक्सप्लोर महाराष्ट्र, विल एक्सप्लोर इंडिया, विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। So be ready and if you haven't subscribed yet, what are you doing guys? Go subscribe, please press the subscribe button. Anyway guys, see you tomorrow. ओके ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ मच ऑफ अ स्टूपिड आई एम। मैंने सुबह सुबह वीडियो तो शूट की पर मैं माइक ऑन करना भूल गया। सो हियर इज अ क्विक रिव्यू ऑफ द मॉर्निंग विद अ वॉइस ओवर। हियर इज मी एक्सप्लेनिंग हाउ आई शुड हैव वोक अप अर्ली बट आई डिडंट, और उसके बाद सिप 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 चाय पी लिया एंड देन आई लेफ्ट। और ये इसके बाद एक काफी बढ़िया ट्रांजिशन, ऑल्सो मी एक्सप्लेनिंग वेयर बाणगंगा इज। सो अगर आपको पता नहीं बाणगंगा कहाँ पर है तो बाणगंगा इज लोकेटेड नियर मालाबार हिल्स। सो मैंने लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जहाँ से आप डायरेक्टली इसका लोकेशन चेक कर सकते हो। सो फिर हम निकल गए अपने एक दोस्त को पिकअप करने के लिए बाय सेइंग गणपति बप्पा मोरिया, और ये अपना दोस्त ओम्या जिसको पिक करने के बाद हमने थोड़ी गपशप लड़ाई। आफ्टर दैट वी डायरेक्टली लेफ्ट फॉर बाणगंगा। तो दोस्तों बाणगंगा में आपका स्वागत है। तो बाणगंगा के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 30-40 टेम्पल्स मिल जाते हैं, और अगर आप ये सारे टेम्पल्स घूमने की कोशिश करोगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। बट एवरी टेम्पल हैज इट्स ओन ब्यूटी, एवरी टेम्पल की अपनी एक अलग खूबसूरती है, अपना एक अलग आर्किटेक्चर है। इतनी सी छोटी सी जगह में इतने सारे टेम्पल्स कैसे बसाए वो अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। तो बात करते हैं बाणगंगा की हिस्ट्री के बारे में। तो बाणगंगा की हिस्ट्री रामायण से जुड़ी हुई है। तो जब भी रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था और लंका ले गए थे, तो हमारे राम जी जब सीता माता को बचाने के लिए लंका जा रहे थे अयोध्या से, तो उन्होंने इस स्थान पे विश्राम किया था, और इस स्थान पे विश्राम करते वक्त उनको प्यास लगी थी, और तभी ये सारा जो पानी था यहाँ पर वो खारा पानी था। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि उन्हें प्यास लगी है, तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर बाण मारा और वहां से गंगा माँ प्रकट हो गई।
और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। सो काफी रिच हिस्ट्री है इस जगह की। सो इस बार की बाणगंगा की विजिट मेरी काफी स्पेशल थी क्योंकि मैंने काफी सारे नए दोस्त बनाए। मैंने दूर से देखा कुछ लड़के बाणगंगा में नहा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें ज्वाइन किया जाए। ये दोस्त हमारे आए थे दिवा से और स्पेशली बाणगंगा विजिट करने आए थे और उनके बेयर बॉडीज देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने सिक्स पैक एब्स दिखाऊं। बाणगंगा के मुख के यहाँ पर नहाकर फिर हमने मारी डुबकी बाणगंगा में, जहाँ हमें मिले विनय और विकास जो वाल्केश्वर में ही रहते हैं। वो मुझे बता रहे थे कैसे पानी पूरा ऊपर तक चला जाता है और मिले मेरे कुछ छोटे दोस्तों से जिनके साथ हमारी कुछ जमी नहीं। यहाँ पे आपको कई सारे बतख देखने मिलेंगे और उनमें से एक थी डकपिका, जिससे ओमिया ने बात करने की कोशिश तो की। एंड में हमारे ये दो स्पेशल दोस्त धनश्री और दिशा, जो हमें बाणगंगा के यहाँ पर मिले और उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो हमें वहाँ के मंदिर घुमाएंगे और इन दोनों क्यूटीज ने हमें सारे मंदिर घुमाए। इनफैक्ट बीच में वो खुद भी घूम रहे थे और कुछ मंदिर के आजू बाजू गार्डन्स भी थे, वो भी उन्होंने हमें दिखाए। इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस दो एंड वी हैड टू रिटर्न द फेवर। सो हमने उन्हें पूछा कि वो क्या खाएंगे तो धनश्री वांटेड अ पिज्जा एंड दिशा वांटेड अ ग्रिल सैंडविच व्हिच शी कॉल्ड ग्रीन सैंडविच। इट वॉज सो गुड टू सी देम दिस हैप्पी। और यहाँ स्टॉल पे पहुंचने के बाद भी हमने कुछ नए दोस्त बनाए जो थे मुकेश और अभिषेक, जो यहाँ पे स्टॉल रन करते हैं, जो काफी बढ़िया पिज्जा और ग्रिल सैंडविच बनाते हैं। आई वुड इंसिस्ट कि अगर आप बाणगंगा विजिट कर रहे हो सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस स्नैक्स। तो जहाँ मुकेश और अभिषेक के सैंडविच बना रहे थे, दिशा और धनश्री पेशेंटली वेट कर रहे थे अपने पार्सल का। पार्सल रेडी होते ही उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी और इसी तरह बारिश से भागते हुए वो हमें बाय बोलकर निकल गए। आई कांट टेल यू हाउ नाइस इट फेल्ट। सो अब टाइम था वाल्केश्वर टेम्पल को विजिट करने के लिए। बट सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वाल्केश्वर टेम्पल जाने नहीं मिला क्योंकि टेम्पल कुछ रीजन की वजह से बंद था। बट नेक्स्ट टाइम मे बी हम लोग आके आपको वो वाल्केश्वर मंदिर के अंदर का जो इंटीरियर है एंड वहाँ पे जो मूर्तिज वगैरह है वो आपको दिखा देंगे। बट इस टाइम हमारा लक इतना कुछ अच्छा नहीं था। सो मे बी नेक्स्ट टाइम, पर नेक्स्ट टाइम इज बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग दिस बॉम्बे सेंट्रल। So, finally, बाणगंगा घूम के हो गया है, कैसा था एक्सपीरियंस? एकदम भारी था, एकदम जबरदस्त। तो हम लोगों ने काफी नए दोस्त बनाए एंड प्लस काफी अलग ही एक्सपीरियंस था और हम लोगों ने काफी ज्यादा ये एक्सप्लोर किए टेम्पल्स, बट वाल्केश्वर टेम्पल एक्सप्लोर करना रह गया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजन थोड़ा सा बंद था। बट फॉर्चुनेटली अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है एज एन और एक बार मैं अगर रात को विजिट करूँ वाल्केश्वर टेम्पल, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हो। मैं हम लोग एक रात वाला वाल्केश्वर का वीडियो करेंगे जरूर जरूर। सो मिलते हैं सीधा घर पे आउटरो के लिए। टिल देन सी यू, बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। हेलो, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेस व्लॉग गाइस। अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हो देन आई विल कंसीडर कि आपको ये व्लॉग पसंद आ गया है एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग 132 and if you like this vlog why haven't you subscribed it abhi ke abhi jaake subscribe kijiye so you can enjoy more of my vlogs। so video ko end karne ke pehle I would like to thank Omkar Mistry, that is Omya, jo hamare sath is adventure pe aaya tha। he has shot some amazing videos over jo bhi aapko is vlog mein kafi badhiya video lage, kafi shandar video lage, wo sare Omya ne shoot kiye hai। और अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाके फॉलो कीजिए बिकॉज आई मेक सम ग्रेट फनी कॉन्टेंट ओवर देयर एज वेल। सो यू कैन एंजॉय बोथ ऑफ माई कॉन्टेंट ऑन बोथ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग प्रीटी सून। टिल देन, पीस।